सबसे पहले हम काइन मास्टर को ओपन करेंगे। जैसे ही काइन मास्टर ओपन होता है तो इसका ये जो आइकॉन है ये आपके सामने शो हो रहा है, ये वाला काइन मास्टर आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट जो है आपने इस पर क्लिक कर लेना है। प्रोजेक्ट का कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ कि पोइट्री। मैं पोइट्री की एक वीडियो बनाकर आपको दिखा देता हूँ कि पोइट्री की वीडियो कैसे बनती है। ज़बरदस्त किस्म की वीडियो जो है वो आप यहाँ से 16:9 पर आपने ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट है एक आदमी, यहाँ से एक अच्छा सामने बैकग्राउंड इमेज असिस्ट पर जाकर एक अच्छा सा जो बैकग्राउंड है हम वो यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ ये पर ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जो है जितनी हमने लेंथ रखनी है वीडियो की तो उतनी लेंथ हम रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हमें 33 सेकेंड की जो है हमने इस पर लेंथ जो है हमने वो रखी हुई है। तो अब सबसे पहले हमने जाना है मीडिया पर, गए थे मीडिया पर जाकर हमने इसका बैकग्राउंड जो सेलेक्ट किया था तो ये आपके सामने वो बैकग्राउंड है। इसके बाद मैं दोबारा लेयर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से पोइट्री जिसका शेयर है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर उसकी जो है पिक्चर तलाश करके लगा देता हूँ। मैंने चूँकि पहले से बैकग्राउंड रेजर में काफ़ी सारी पिक्चरें रखी हुई हैं तो मैं अभी शाकिर शुजा आबादी की जो एक पोइट्री है उसको उसका ये शेर लिखने वाला हूँ। पंजाबी का है, सराइकी का है। सबसे पहले मैं इसको क्रॉप करूँगा, अच्छे तरीके से क्रॉप कर लें आप इसको। ये यहाँ से इसको हम बिल्कुल आराम से क्रॉप कर लेते हैं इसको यहाँ से, ताकि हम चूँकि पोइट्री हो या कोई भी चीज़ हो वो खूबसूरती मांगती है कि खूबसूरत चीज़ हो तो लोग उसको पसंद करते हैं। तो मैं भी ये क्रॉप करके रख देता हूँ। अगर आप बैकग्राउंड अरेजर वाली ऐप करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये इसको मैं 33 सेकंड की मैंने वीडियो का बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था तो इसको मैं पूरे बैकग्राउंड पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट हो गई, अब हम वापस आते हैं यहाँ पर, इसी पर क्लिक कर देते हैं, इसको उसी के हिसाब से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये ऐसे फुल स्क्रीन पर हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि इस पर जब हम पोइट्री करें तो ये खूबसूरत लगे यहाँ पर। तो यहाँ पर करने के बाद अब आते हैं इस पर ब्लेंडिंग पर। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर आकर हम इसको ओवरली पर चेक करते हैं कैसे लगता है। ये यहाँ पे खूबसूरत सा लग रहा है मुझे, वैसे ये मल्टीपल है, स्क्रीन है और जैसा भी आपको खूबसूरत लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं ओवरली पर कर देता हूँ और उसको बैकग्राउंड पर ले जाता हूँ। फिर मैं दोबारा इस पर आता हूँ क्रॉप वाले ऑप्शन पर, तो ये क्रॉप वाला ऑप्शन है, ये ऑफ होगा, इसको ऑन करना है और इसको आप सेलेक्ट करके पूरे 50 डिग्री पर आप इसको रख लें, ठीक है। और दोबारा यहाँ खाली जगह पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी। तो अब इस पर हम शेर लिखते हैं शाकिर शुजा आबादी का, तो मैंने एक शेर कापी किया हुआ था, चलो गैर था शाकिर गैर जो हिंद तेरा हक नहीं सकूँ भूल बजना, ये मैंने कापी किया हुआ था पहले से। आप अपनी पसंद का कोई भी शेर यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे से एक सैड इमोजी भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं स्पेस देकर, ये देखिए ये लग गई है, तो ये हमने लगा दी है। आप इसको ओके कर देते हैं, ये ऐसे आ गया। अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात और भी बता दूँ कि ये जो लिखाई है, ये जो लैंग्वेज है, ये काइन मास्टर की अपनी लैंग्वेज है। इसमें जो फॉन्ट्स हैं वो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, खुद से मैंने किए हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, जंक्शन पर जो है ये जमील नूरी नस्त तारीख मैंने ऐड किया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अब इसी जो है उर्दू कशीदा जो है वो मैंने इसमें वो भी किए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ बैमन पर आएंगे, बैमन पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे, ये देखिए ये थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है, इसी को हम रहने देते हैं, ये ठीक है। ये तस्वीर के हिसाब से ये जैसे ये लाइन लगती है ना, इसका मतलब होता है ये सेंटर में है बिल्कुल लिखाई हमारी, ये आप रेड लाइन भी देख सकते हैं इसमें, तो ये बिल्कुल यहाँ ठीक है। इसको जो है हम यहाँ पे रख देते हैं इतना सा, पहले ऐसे ही हम इसको पढ़ेंगे कि चलो जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है वहाँ तक ये शेर भी जाए। या मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ और शेर पढ़ता हूँ, चलो गैर तशाकिर गैर जुहिन तेरा हक नहीं साकू भूल वंजना। तो ये कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग बहुत कम है, आप थोड़ी सी लंबी रिकॉर्डिंग करके इसको आप कर सकते हैं। तो साफ ज़ाहिर है किसी ने एक शेर की रिकॉर्डिंग तो करनी नहीं है,
कम से कम 25-30 सेकंड की रिकॉर्डिंग तो वो ज़रूर करेंगे। तो इसके बाद जो है यहाँ पर हम अब इसको हम ये इतना यहाँ तक हम इसको रहने देते हैं। बाकी जो है इसका इसका कलर जो है यहाँ एक बात ये नोट कर लें कि कलर तकरीबन जो येलो कलर है वो यहाँ खूबसूरत लगता है, यहाँ पर लिखाई में येलो कलर, तो हम इसको रहने देते हैं यहाँ पे ये। अब इसके हम एनिमेशन भी लगा के चेक कर लेते हैं कि ये कैसे हो, ये देखिए कि ये ऐसे इसकी लाइन शो हो या पॉप अप ऐसे शो हो, स्लाइड राइट राइट से हो लेफ़्ट से हो, आपको जो भी मुनासिब लगता है आप वो इसको रख सकते हैं, लेटर बाय लेटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये कन्वर्ज है ये भी आप कर सकते हैं ऐसे आए लिखाई। तो मेरे ख्याल में जो है वेप लेफ़्ट ये खूबसूरत लगता है, इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं ताकि आराम से या वेप आप कर देते हैं डाउन कर देते हैं, डाउन ठीक है, डाउन बेस्ट है। ये देखिए ये ऐसे शुरू होगा, इसकी लिखाई ऐसे शुरू होगी, ये ऐसे बहुत खूबसूरत लग रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो है अब ये हमारी कंप्लीट हो गई लिखाई, ऐसी आगे से अगर आप शेयर लिखते जाएं और साथ साथ उसकी जो एक ही बार इसको सेलेक्ट कर लें और इसके एनिमेशन को भी एक बार सेलेक्ट कर लें ताकि बार बार आपको ना करना पड़े। और इसके बाद जो है यहाँ पर इसके हम लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं यहाँ पर। ये काफ़ी सारे हैं जो है, ये और भी जो स्पार्कल्स हैं मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं इसी काइन मास्टर के अंदर हैं। ये देखिए ऐसे इसको हम जूम करते हैं इसको, और यहाँ पर इसको लगा भी सकते हैं। तो इसको आप जितनी आपने लिखाई की है उतने पर इस कर दें ताकि ये खूबसूरत लगे। तो इसको हम अगर ब्लेंडिंग पर जाएं और इसको मल्टीपल कर दें, ओवरली करके चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, लगा कर चेक कर सकते हैं इसका जो है ये यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है इसको स्टिकर है ये लगा लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है यहाँ पर। तो इसको हम पहले रख देते हैं पीछे ताकि ये स्टार से जो है लगे। तो ये इस यहाँ इतना हो गया, ये यहाँ हमने इतना कर दिया इसको, ठीक है। अब प्ले करके इसको देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत लिखाई हो रही है। तो काइन मास्टर बहुत ही आसान है और इस पर इसके जो फंक्शन है वो भी काफ़ी इसमें बहुत सिंपल हैं लेकिन हैं बड़े काम के। तो आपने अगर ये काइन मास्टर डाउनलोड करना है तो वीडियो के कमेंट्स में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, जिसमें जमील नूरी नस्तारी भी मैंने ऐड कर दी है और कशीदा उर्दू है वो भी कर दी है। अगर आप कोई दूसरे फॉन्ट्स और इसमें जो स्टिकर वगैरह है ख़ुद से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऐप का लिंक जो है वो भी कर दिया है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जो मैंने लिंक दिया है आप वहीं से जाकर ही आपने वो ऐप्स वगैरह करनी है, अगर आप प्ले स्टोर से करेंगे तो वो इसमें इंस्टॉल नहीं कर पाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काइन मास्टर के हवाले से आपको काफ़ी कुछ समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई चीज़ रह गई है तो उस पर वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।